1K subscribers and thank you. 8. और आगे आगे लेके आनी है क्योंकि आज मैंने वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस हम आ गए थे और आज एक कलेश हो गया अपने साथ। कलेश क्या हो गया कि अपना ट्राइपॉड, अपना जो माइक है वो भी दूर, वो भी घर दूसरी गाड़ी में छूट गया। तो चलो अगर थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन, थोड़ा नॉइस डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ क्लियर कर देना यार भाई के लिए। आज कौन सा वर्कआउट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने अपना वार्म अप कर चुका हूँ, आज करेंगे चेस्ट वर्कआउट। और चेस्ट वर्कआउट पे तीन एक्सरसाइजेस बताऊंगा आप लोगों को, जो इतनी है अल्टीमेट और थोड़े डिफरेंट वेरिएशन में बताएंगे आप लोग, मज़ा आ जाएगा आपको करने में भी। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे में और यार एक चीज़ हो रहा है, मेरे हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। और इतना प्यार दिखा रहे हो, ऐसे दिखाते रहो, मज़ा आ रहा है। तो करते हैं अपना एक दो वार्म अप में मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस बता देता हूँ कौन कौन से आप अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। पहले करेंगे पुशअप, उसके बाद मैं अपना डंबल पे हल्का हल्का फ्लाई ले लूँगा चेस्ट को वार्म अप करने के लिए। चलो तो गाइज अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उस पर हम कंबाइन करेंगे, और मैकेनिकली एक एक्सरसाइज होगी बट इसमें दो हम एक्सरसाइज करेंगे एक ही साथ साथ कंबाइन करके, ताकि अच्छे से प्रेशर दें अपनी मसल को, अपनी चेस्ट को अच्छे से फिर ग्रोथ हो के आए। तो पहले साथ साथ करेंगे, जैसे मैंने बोला दो एक्सरसाइज कंबाइन करेंगे। बेंच प्रेस के साथ साथ हम लोग लेंगे केबल फ्लाई लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो याद रहें तीनों दोनों एक्सरसाइजेस के तीन तीन सेट्स लेने और अच्छे से लेने, जमा के लेने। हैवी वेट अगर आप नहीं कर पा रहे तो लाइट वेट करें, बट करना प्रॉपर इंटेंस के साथ है, ताकि आपकी जो मसल है टूट के अच्छे से प्रेशर के साथ निकल के आए शेप में। तो मैंने अभी 10-10 लिया है, मेरा पहला सेट है। इसके साथ साथ जैसे ये खत्म होगा मैं अपने दूसरे एक्सरसाइज पर जाऊँगा। इसके तीन सेट लेने हैं, ग्रिपिंग अच्छे से रखें। मैंने आप लोगों को पहले ही अपने वीडियोस में बताया हुआ है, जो भी आपकी ग्रिपिंग अच्छी, सबसे अच्छी ग्रिपिंग जो बनेगी वो बनेगी आपके पैरों से। पैर जो होंगे आपकी स्टेबिलिटी बना के रखेंगे, बॉडी रोल नहीं होने देंगे। और दूसरी जो एक्सरसाइज होगी लिफ्ट करते टाइम आपकी कलाइयाँ टाइट होनी चाहिए, इस तरीके से एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप यूँ रखेंगे अपनी जो कलाई है तो उस पर यहाँ पर इस पोर्शन में आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं वेट लिफ्ट करते टाइम। तो चलो करके देखते हैं अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग आप बताओ। पहला वाला सेट सही से ग्रिपिंग रखेंगे और आगे आगे लेके आनी है, क्योंकि आज मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि अपना लोअर चेस्ट को ट्रेन करते हैं, तो आगे लेके आनी है। इस पे आपको लेने कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन। अब साथ साथ चलते हैं अपनी फ्लाई एक्सरसाइज पे, साथ साथ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फ्लाई केबल फ्लाई। बताया था कि केबल फ्लाई करेंगे, केबल फ्लाई में हम लोग आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे खड़े होके, इस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी। मैं हमेशा इसके बिना करता हूँ, बट जो मेरे बिगिनर भाई हैं वो लोग ये चीज़ यूज कर सकते हो अपने केबल फ्लाई में। वेट मैंने 15 का लगाया है, पहला सेट है 15 और 15 30 हो जाएगा टोटल। तो हम अब बेंच लगाने का एक मोटिव और रीज़न और भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले जो जिस तरीके से रहेगी एक्सरसाइज, बॉडी पोस्चर और सारी चीज़ें रहेंगी वो आप लोग देख लो। चेस्ट थोड़ा सा नी डाउन कर लें और अपने हाथों को चेस्ट के नीचे रखें यहाँ पर इस तरीके से, ताकि आपकी जो लोअर चेस्ट है, यानी कि जो लोअर चेस्ट पूरा स्ट्रेच हो पीछे तक, और जब यू ही ऐसे लेके आओ तो स्क्वीज हो, यानी कि लोअर चेस्ट पे ही आए। अपने जो ग्रिपिंग होगी इस तरीके से, ये ऐसे रखना है अपने यहाँ पे रखना, थोड़ा सा चेस्ट अप रखें इस तरीके से, बैंड हो जाए और यू पूरा खींच के स्क्वीज करके यहाँ पे स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। अब
और जितना धीरे धीरे लेके जाओगे उतना ज्यादा आपको इंटेंसिटी दिखेगी अपने मसल पे, पेन दिखेगा। यहां पे होल्ड करें एक सेकंड के लिए, होल्ड। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी मैं इसके बिना एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी कभी बैक पीछे जा रही है, कभी मैं आगे आ रहा हूँ, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पर बेंच मेरे को रोल नहीं होने दे रहा है, एग्जैक्ट मूवमेंट में मेरी एक्सरसाइज हो रही है, जो एकदम एक्यूरेट रेंज में जानी चाहिए वो एक्सरसाइज हो रही है मेरे लोअर चेस्ट के लिए। थी आप लोग ये प्लीज़ मेरे कहने पे एड ऑन करें अपनी लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज में, आप लोगों को 110% रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हो शेप के लिए और बल्कीनेस के लिए। तो ये ऐड करें कि तीन सेट लेने हैं, दोनों के साथ साथ कंबाइन करके करने हैं, आपको अच्छे इफेक्ट्स देंगे। थैंक यू। तो गाइस अपनी जो दूसरी या तीसरी लगा लो, क्योंकि पहली हमने एकदम फ्लैट पे रॉड लिया था, फिर हमने फ्लाइट लिया था अपने लोअर चेस्ट के लिए। जैसे कि मैंने बोला क्या सिर्फ लोअर चेस्ट के लिए बताएंगे ये वाले पार्ट के लिए, तो जो तीसरी एक्सरसाइज होगी अपनी डिक्लाइन फ्लाई करेंगे डंबल से। तीसरी एक्सरसाइज होगी हमारी, इस पे भी हमारे तीन सेट लेंगे। तीन सेट्स में हम कितने रेपिटेशंस लेंगे, कम से कम 15 लेना है कम से कम, अगर शेप लानी है तो, और बल्की करना है तो 10 लें, 10 से 12 लें, और हैवी वेट रेपिटेशंस हमारे। मेरा एक सेट हो चुका है ऑलरेडी 10 से, अब मैं 12.5 से, चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 10 से मार के दिखा देता हूँ। और अगर बिगनर हो तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर करना, बाकी कसम मज़ा आ जाएगा, चेस्ट फटके आ जाएगी और दूसरा शेप में अच्छी है। चेस्ट पे डंबल फ्लाई करेंगे लोअर चेस्ट के लिए, शेप आपकी जैसे कि मैंने आपको फ्लाई पे बताई सेम ऐसे ही रखना, हाथों को इस तरीके से रखिए, डंबल अपने थोड़े से आउट कर लेने, आउट इसलिए करने वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ताकि इस तरीके से लेके आओगे तो आपकी जो चेस्ट है वो पूरी स्ट्रेच होगी, और यहाँ पे जब स्क्वीज करोगे तो बहुत अच्छे से पंप आएगा, पेन आएगा। और थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है इस तरीके से, शेपिंग आएगी आपकी चेस्ट की। अगर आप लोग जैसे टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी शेप आती है। ज़्यादातर जो अपने कोचेज होते हैं ये वाली एक्सरसाइज बहुत मैंडेटरी करते ही करते हैं, तो आप इसके तीन सेट लें, तीन सेट के बाद में रेपिटेशन अपने हिसाब से एड ऑन करें, अपने वेट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एड ऑन करना है आप लोगों को, ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिलें आप लोगों को लोअर चेस्ट पे। ये थी मेरी तरफ से थर्ड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर चेस्ट ट्रेन करने के लिए। अपनी जो चौथी एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट तो ट्रेन होगी ही होगी आप लोगों की, लोअर चेस्ट के साथ साथ आप लोगों का ना इनर यानी कि ये वाला जो पार्ट है पूरा ट्रेन होगा, और आप बोलोगे कि क्या बढ़िया एक्सरसाइज होती है आपने। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपनी चौथी एक्सरसाइज लोअर और इनर चेस्ट के लिए। वेट मैंने 15 लिया है, डिक्लाइन पे लेना है। तो किस तरीके से पोजीशन रहेगी, किस तरीके से आपकी हैंडलिंग रहेगी, आपको वेट पकड़ने की ग्रिप, आप जो वेट रहेगा इस तरीके से पकड़ेंगे, आपकी जो चेस्ट पे के क्लोज बिल्कुल आपके जो रिस्ट रहेंगे बिल्कुल इस तरीके से मिडल में रहेंगे आपके जो रिस्ट रहेंगे चेस्ट पे, और आपकी जो कलाई है यानी कि एल्बोज होंगी थोड़ी सी आप बाहर निकाल लो चेस्ट से, और इस तरीके से करनी है। 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो एक चीज की कमी इसमें आप लोगों को दिखेगी कि आपका जो चेस्ट जो आपके जो ये हाथ रहेंगे वो पूरे स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि डंबल का साइज इतना बड़ा होता है तो वो यहीं पे आधे पे रुक जाता है। बट उसका भी एक बेनिफिट है, जब आप हाफ करते हो तो आपके जो ये वाला जो पोस्चर होता है ये कि यहाँ पे आने के बाद मतलब पूरे स्ट्रेच करते हो ऊपर की तरफ, तो उसी पे
कॉन्ट्रैक्ट आता है, मतलब जिस पार्ट के लिए, जिस कोने के लिए, बॉडी के कोने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को इनर चेस्ट और लोअर चेस्ट ये वाली एक्सरसाइज ऐड ऑन करें, एक नंबर एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। और आज की जो वीडियो है ये इनर चेस्ट पे थी मेरी, आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय करा होगा, आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, आपने बेनिफिट लिया होगा इन सारी ट्रिक से। तो मिलते हैं अपना आप लोगों से दूसरे न्यू ब्लॉग में, न्यू एक्सरसाइजेस के साथ, न्यू और न्यू टेक्निक्स के साथ। और एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और जिस तरीके से आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो गाइस, दिल से थैंक यू, और ऐसे ही दिखाते रहो। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, अच्छी चीज़ें लाने के लिए, फिटनेस फिट रहने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, चीज़ों के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।